हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ये इंडिया का सबसे वाइडेस्ट टोल है जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। पहले ये हाफ फंक्शनल था, दोनों साइड का जो ट्रैफिक का मोमेंट है वो 17 लाइनों पे हो रहा था, लेकिन अब इसको फुल्ली 34 लाइन लेंस है उस पर ऑपरेशनल कर दिया गया है, क्योंकि ये बन के तैयार हो चुका है। बस ये जो अभी यहाँ पे बूम बैरियर्स हैं वो लगना बाकी हैं, अदरवाइज़ जो टोल है उसको उसका जो एरिया है 34 लेंस वो अब फुल्ली फंक्शनल है। तो ये काम अच्छा हुआ है, क्योंकि अब जो टोल बिल्कुल बीच में डिवाइड कर दिया गया है इसको, पहले ये 17 लाइन पे था तो काफ़ी कंफ्यूजन होता था लोगों को। और जैसे ही हम गुड़गांव में एंटर करते हैं तो गुड़गांव में यहाँ देखिए हाई राइज बिल्डिंग शुरू हो जाती हैं। राइट हैंड साइड पे 113 सेक्टर है और लेफ्ट हैंड साइड पे है 110 सेक्टर। और ये देखे लेफ्ट हैंड साइड पे देखे हाई राइज बिल्डिंग्स, ये M3M की बिल्डिंग्स हैं। फिर राइट हैंड साइड पे देखे यहाँ पे पूरी एम्पोरियम आ जाता है। तो ऐसे अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप चलते हैं तो हाई राइज बिल्डिंग्स आपके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे आपको देखने को मिलती हैं। और ये कंटिन्यूसली ये बिल्डिंग्स हैं, ये टाइम के साथ साथ इंक्रीज ही होंगी। जैसा कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ने बोला है कि ये एरिया एक टाइम पे काफ़ी डेवलप हो जाएगा, लाइक जो काफ़ी बड़े बड़े सिटी हैं वर्ल्ड के, या फिर सिटी कंट्री जिसको बोलते हैं सिंगापुर वैसा। अभी देखिए राइट हैंड साइड पे एक हाई राइज बिल्डिंग, और ये है 109 सेक्टर और राइट हैंड साइड पे है 110 सेक्टर। तो यहाँ पे काफ़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जो देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो एरिया है ये रेजिडेंशियल के साथ साथ कॉमर्शियल भी डेवलप हो रहा है। बाइक्स वगैरह इस पे अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी बाइक्स वगैरह चल रही हैं। तो जब तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा तब तक तो लिबर्टी लोग लेंगे। तो इस पे चलने का एक अलग ही अनुभव था। और यहाँ पे देखिए पहला एक ऐसा कट आता है जहाँ से आप एग्जिट और एंट्री ले सकते हैं, इसको यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हाई राइज बिल्डिंग्स कंटिन्यू आपके साथ साथ चलती हैं। तो काफ़ी एक अच्छा सा एक अनुभव मिलता है यहाँ पे ड्राइव करने का। और गुरुग्राम के जो सेक्टर्स हैं वो डिवाइड हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे। अभी जैसा कि अगर हम बताएं कि 102 सेक्टर या 103 सेक्टर हमारे राइट हैंड साइड पे है और 104 सेक्टर हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। ये पैकेज 2 है द्वारका एक्सप्रेसवे का, काफ़ी एलिवेटेड रोड है। और ये अगर आप इससे कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको हार्डली 15 मिनट लगती हैं NH8 पहुंचने में द्वारका एक्सप्रेसवे के टोल से। यहाँ थोड़ा जो गाड़ी चलाने का डिसिप्लिन है वो थोड़ा सा डिसिप्लिन से नहीं चलते लोग, ऐसा मैंने देखा है, ऐसा महसूस भी किया है यहाँ पे जाने के बाद। क्योंकि ये जो गाड़ी मेरे सामने थी ये आदमी फ़ोन पे बात कर रहा था और गाड़ी चला रहा था, इवन द्वारका एक्सप्रेसवे पे जहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट दी हुई है, ऐसे भी रिस्क लेते हैं लोग। ये पहला पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 ख़त्म हो जाता है, पैकेज 3 शुरू हो जाता है। और ये 99 सेक्टर आपके राइट हैंड साइड पे है और 100 सेक्टर आपके राइट हैंड साइड पे है। ये जो ब्रिज है इसके नीचे से एक रेलवे लाइन निकलती है जो जयपुर को कनेक्ट करती है, और फिर दिल्ली के जस्ट साउथ में जाने के लिए जो रेल्स हैं वो मिलती है यहाँ से, जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, या फिर आगे भी मुंबई तक भी कनेक्ट होती है ये रेलवे लाइन वाया जयपुर।
अब ये दूसरा पेडेस्ट्रियन ब्रिज आपके सामने है। यहाँ पे अगर आप गुड़गांव का मैप देखते हैं तो कुछ SEZ वगैरह राइट एंड लेफ्ट एंड साइड पे मेंशन की हुई है। SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमी जोन, तो वहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी होने का इन फ्यूचर अनुमान है। SEZ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं वो एस्टेब्लिश होती हैं और उनको टैक्स एग्जम्पशन होता है। गवर्नमेंट उनको कुछ टाइम के लिए टैक्स में रियायत देती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में काफ़ी बूम होता है। तो ये देखिए स्टील ब्रिज, यहाँ से आप NH-48 से कनेक्ट हो सकते हैं। स्टील ब्रिज को भी कनेक्ट करेंगे तो सीधा मानेसर निकल जाएंगे। सामने एक और हाई राइज बिल्डिंग्स। तो ये था द्वारका एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड पार्ट जो गुरुग्राम में था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।